हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपी मैथ्स चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग सभी प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिखा हुआ, ये यूपी टेट में भी आ चुका है। तो ये क्या, इतने को हम 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा। यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन है, इतने को भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ देखना है कि ये सम अंक है या विषम अंक है। तो यहाँ पे देखिए जो डिजिट है वो सम अंक है, यानी लास्ट वाला अंक अगर 2 से कट जाता है तो वो सम अंक होगा, और लास्ट वाला अंक अगर 2 से नहीं कटता है तो वो विषम अंक होगा। बस इतना पता होना चाहिए, आप कितनी बड़ी संख्या हो शेषफल बिना भाग दिए बता सकते हैं। तो उसका क्या तरीका, जरा समझिए। तरीका ये है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 की पावर विषम अंक है तो इसको 3 की पावर विषम लिख लेना है, पहला छोटा अंक, और उसको 7 से भाग देना। अगर छोटा रह जाए तो उससे अगला वाला लिखना, उससे अगला क्या होगा विषम अंक ही लिखना। अगर विषम अंक है तो विषम अंक ही लिखना, तो विषम अंक होगा वाला 3, उसको फिर भाग से देना। तो ये वाला फेल हो गया तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो 3 की पावर 3 होता है 27। अब देखिए जब हम 7 से भाग देंगे, 3 की पावर 27 हो गया, तो 7 या 21, तो शेषफल कितना बचा, इसे भाग दे दें तो 7 या 21, तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 6। तो शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 6। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर समघात है तो हमें ये जो इसकी पावर सम बनानी है, यानी 15 का स्क्वायर और फिर इसे किससे भाग लगाना, इससे। अगर इससे भाग नहीं जाता तो मैं क्या लेता, इससे अगला वाला लेता, अगले वाली समघात क्या हो जाती, 4 हो जाती। लेकिन यहीं पर भाग आ रहा है तो इसलिए अगला नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं देखिए 4 से इससे भाग दे दूंगा, 15 15 होते हैं 225, तो 4 5 20, 2 4 6 24, तो शेषफल कितना आ गया 1। तो शेषफल बराबर कितना हो गया 1, ही हमारा आंसर आ गया। अब देखिए मैं अगली वाली टेक्निक करा रहा हूँ, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो लाल रंग का बटन है इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। बराबर में एक घंटे का बटन भी होगा, आप उसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत। जैसे देखिए, अब मैं आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी प्रतियोगिताओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इकाई का अंक निकालना। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। इकाई का मतलब ये है कि जब इसको हम इतने बार लिखेंगे तो यूनिट प्लेस पर अंक जो आएगा वो क्या आएगा। तो इसके लिए आप ट्रिक है, ट्रिक क्या, पहले जल्द ध्यान समझेंगे। 12 3 7, अगर मैं यहाँ पर पावर 1 लिखूँ तो इकाई के अंक कितना जाएगा, 7 देख लीजिए, यानी इकाई का अंक हो गया 7। ठीक है, उसके बाद 12 3 7 का स्क्वायर करो तो 7 7 49, यानी इकाई का अंक हो गया 9। इसी तरह से 12 3 7 का क्यूब करें तो 7 की पावर 3 होता है 243, यानी इकाई का अंक हो गया 3। इसी तरह से 12 3 7 की पावर 4 करें तो आता है 7 की पावर 4, यानी कि 2401, इकाई का अंक हो गया 1। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 5 करूं, 5 करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 16807, क्या अंक हो गया 5। अब जरा समझिए मैं मेथड क्या है, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इतना टाइम लग रहा है, वरना 1-2 सेकंड के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जब 1 था तो क्या अंक कितना आया, 7। जब यहाँ पर पावर 2 थी तो इकाई का अंक आया 9, पावर 3 थी तो इकाई का अंक आया 3, 4 थी तो आया 1। उसके बाद फिर रिपीट होना चालू हो गया, 5 में फिर 7 आएगा और फिर 6 होगी यहाँ पे, तो इस पर जाएगा फिर 9 और फिर 3 और फिर 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 4 यहाँ पे पावर कितनी, 256। तो 4 का गुणज जो है वो 256 है, 4 का गुणज क्या है, 256। तो इसका मतलब 256 पे भी जो इकाई का अंक आएगा वही आएगा जो 4 पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आया हुआ ये 8 पे, फिर 12 पे, फिर 16 पे, इस तरह से 256 भी 4 का ही गुणज है। तो इसका मतलब 256 में भी जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा आपका 1। तो इकाई का अंक क्या हो गया इसका, 1, यानी ये आंसर हो गया इसका, ये वाला। अब देखिए इसको समझ लीजिए, अगर ये कम आया समझ में तो बिल्कुल समझ में। सबसे पहले आप ये नंबर लिख लीजिए 9333,
अब इसके पावर वन, अगर वन है तो यहाँ पे इकाई का जो अंक आएगा वो थ्री हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर लीजिए बस, तीन तीन नौ, यानी इकाई का अंक आएगा नौ। इसी तरह से 2933 का क्यूब करें तो तीन तीन नौ तीन सत्ताईस, यानी इकाई का अंक आया सात। अब यहाँ पे देखिए 333 की पावर चार करें तो तीन तीन नौ तीन सत्ताईस तीन इक्यासी, यानी इकाई का अंक आया एक। अब यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पर 2933 की पावर फाइव करते हैं तो यहाँ पर देखिए तीन की पावर पाँच होता है, तीन तीन नौ तीन सत्ताईस तीन इक्यासी तीन 243, कितना होता है 243, तो इकाई का अंक आ गया तीन। इसी प्रकार से जब हम अगला करेंगे यहाँ पे 2933 की पावर सिक्स तो फिर ये रिपीट होना चालू हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो इस तरह से फिर एक। तो यहाँ पे देखिए जो चार का गुणज होंगे उनका तो इकाई का अंक सबका एक होगा, जो तीन के गुणज होंगे उनका इकाई का अंक होगा सात, और जो दो के गुणज होंगे उनका इकाई का अंक होगा नौ, और जो एक के गुणज होंगे उनका इकाई का अंक होगा तीन। तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, ये तो 513। अब यहाँ देखना किसका गुणज है, तो 513 जो है ना, तो अब यहाँ पे देखिए 513 सबसे बड़ी वाली संख्या देखिए सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए चार, यानी कि यहाँ पर जो आएगा 512 जब आएगा कहीं पे ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पे 512 यानी कि 29 की पावर तीन, तीन की पावर 512 आएगा, ठीक है। तो 512 जब यहाँ पे आएगा तो देखिए चार का गुणज आ रहा है 512, ठीक। तो 512 क्या है, चार का गुणज है, तो इसका मतलब इसमें जो इकाई का अंक होगा वो एक होगा, और यहाँ 513 है जस्ट अगले वाला, तो इसके बाद कौन सा वाला आएगा, ये वाला, तो इसका मतलब इकाई का अंक कौन सा हो गया, तीन हो गया। तो इस आंसर का आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में जो आपके फ्रेंड हैं उनको व्हाट्सअप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर भी कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए आप एसपी मैथ्स चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।